हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुमंत सिंह, बॉटनी फैकल्टी सीएलसी सीकर। आज मैं बायो केम डीटीएस 8 का पेपर डिस्कस करूंगा, उसमें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट जनरा विच आर मोस्टली। तो इसका सही जवाब जाएगा 30 जनरा मोनोकॉट्स। इन द एम्ब्रियोज ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एंड ए ग्रास ट्री ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल एंड स्क्यूटेलम, कॉटिलेडांस एंड स्क्यूटेलम, हाइपोकोटाइल एंड कोलियोप्टाइल। कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल गलत है, कोलियोप्टाइल एंड स्क्यूटेलम भी गलत है, कॉटिलेडान एंड स्क्यूटेलम सही राइट आंसर जाएगा, क्योंकि डाइकॉट में जिसको कॉटिलेडान कहते हैं, ग्रास फैमिली जिसको ग्रैमिनी या पोएसी भी कहते हैं, उसमें जो सिंगल कॉटिलेडान होता है उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड जाएगा, कॉटिलेडांस एंड स्क्यूटेलम। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा आर द प्रोटेक्टिव सीथ कवरिंग एंड रेस्पेक्टिवली। तो इसका प्लीम्यूल एंड रेडिकल आंसर जाएगा, क्योंकि राइट आंसर प्लीम्यूल एंड रेडिकल। कोलियोप्टाइल प्लीम्यूल को कवर करता है और रेडिकल को कोलियोराइजा करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इसमें पहला ऑप्शन देखिए, टैपटम नरिशेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ये राइट है। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, राइट है। इंटेगमेंट इन सर्किल द न्यूसिलस एक्सेप्ट ऑफ द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल, ये राइट है। टैपटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये रॉन्ग है, क्योंकि एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। राइट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट, सेलेक्ट रॉन्ग पेयर, पॉलन एलर्जी कैरेट ग्रास राइट है, क्रायो प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन राइट है, और पॉलन जर्मिनेशन HG एंड क्लोराइड आयन ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब जो जाएगा थर्ड जाएगा, क्योंकि पॉलन जर्मिनेशन में बोरान एंड कैल्शियम हेल्प करता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेल गैमिट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय 8 पॉलन मदर सेल्स। 8 पॉलन मदर सेल से 32 पॉलन ग्रेन बनेंगे, और एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमिट बनते हैं। तो इससे जो राइट आंसर जाएगा वो फोर्थ जाएगा, 64। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए ह्यूमिडिटी जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है, लाइट की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए जो आंसर इसका राइट आंसर जाएगा वो फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म मे वेरी फ्रॉम फ्यू डेज अप टू फ्यू मंथ्स ओनली, रॉन्ग आंसर यह है। हायर प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज इमोर्टल, रॉन्ग आंसर है। टेरर ऑफ बंगाल रिप्रोड्यूसेस थ्रू ऑफसेट, ये राइट आंसर है। टेरर ऑफ बंगाल को वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ। तो राइट आंसर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, इसमें पेनिसिलियम में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है कोनिडिया के द्वारा होता है, तो अगेओ में बल्बिल्स के द्वारा होता है, वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट के द्वारा होता है, और हाइड्रा में बर्ड्स के द्वारा होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका, ये सेकंड राइट आंसर होगा।
Next, both male and female reproductive structures are present on the same plant. Cucurbits and maize में ये right answer है, पहला right, first right answer है, क्योंकि ये monoecious plant हैं दोनों. Next, which part of flower is not correctly matched with its post-fertilization structure? Ovule seeds ये match करता है, ovary fruit ये match कर रहा है, wall of ovary, coat of seed ये match नहीं कर रहा है, outer incumbent testa ये match कर रहा है. Right answer third जाएगा. Next. क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट ऑफ अनियन इज 16, इसका 16 है, तो राइट आंसर सेकंड है. नेक्स्ट, मियोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स दैट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म गैमेट्स. मियोसाइट एक्चुअली डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड सेल में पाया जाता है, तो डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड सेल है, और ये जो गैमिट देगा वो हैप्लॉयड होगा, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट होगा. नेक्स्ट, मोनोसियस प्लांट कारा इज शोन इन द डायग्राम विच लेबलिंग्स ए एंड बी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें ए जो है, देखिए ये फीमेल थैलस और एंथीडियम ये रॉन्ग है, ओगोनियम और एंथीडियम ये बिल्कुल सही है, मेल थैलस और आर्जिगोनियम रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो राइट आंसर इसका सेकंड जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. कोमेलाइना दो प्रकार का फ्लावर देता है, टू टाइप्स का, ऑक्जेलिस भी टू टाइप्स का, वियोला भी टू टाइप्स का, पी में टू टाइप्स के फ्लावर नहीं होते, इसलिए राइट आंसर जो जाएगा वो फोर होगा. नेक्स्ट, इफ वी एक्सप्लोर एंथर वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड देन विच सीक्वेंस विल बी करेक्ट. हम बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टैपटम आता है. इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, ये सी पहले आएगा, सी ए, तो राइट आंसर आ जाएगा सेकंड. नेक्स्ट, एन एम्ब्रियो सैक इज शोन इन द गिवन डायग्राम, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. फिलीफॉर्म एपरेटस, यहां देखिए फिलीफॉर्म एपरेटस ये बिल्कुल सही है, एफ पर है, और सेंट्रल सेल आपका सी है, और एंटीपोडल्स आपका ए है, तो राइट आंसर थर्ड जाएगा. नेक्स्ट, डायग्राम ऑफ प्लांट इज गिवन विथ टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ए एंड बी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ए इज सेस्मोगैमस फ्लावर एंड इट प्रमोट ऑटोगैमी, ये आपका रॉन्ग है. ए इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड इज प्रमोट ऑटोगैमी, रॉन्ग है. बी इज चेस्मोगैमस फ्लावर एंड इट प्रमोट ऑटोगैमी, रॉन्ग है. बी इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड इट प्रमोट ऑटोगैमी, राइट आंसर है ये, तो राइट आंसर फोर्थ होगा. नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स प्रिजर्व एज फॉसिल्स फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, तो इसका राइट आंसर थर्ड जाएगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पिस्टिल गिवेन इन द डायग्राम. ये इस डायग्राम में मोनोकार्पेलरी मल्टीकार्पेलरी ये रॉन्ग है, मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस और मल्टीकार्पली एपोकार्पस. पहला सिनकार्पस है, मल्टीकार्पली सिनकार्पस, दूसरा पी और क्यू, दूसरा मल्टीकार्पी एपोकार्पस है, तो राइट आंसर सेकंड जाएगा. नेक्स्ट,
Select the incorrect statement. Sporopollen in exine is one of the most resistant material. ये right है. Typical angiospermic anther is tetrasporangiate. Right ये है. Usually one microspore mother cell gives rise to one functional microspore. ये आपका wrong है. तो right answer इसका third जाएगा. Next. Select the incorrect statement. Incorrect statement को select करना है हमें. Grasses are commonly pollinated by wind. ये right. Bees the most common biotic pollinating agents. ये भी right है. Pollen grains are sticky in those flowers which are pollinated by wind. ये wrong है. तो right answer third जाएगा. Next. Double fertilization is found only in angiosperm. तो right answer आपका first जाएगा. Next, long and ribbon-like pollen grains are released in the water and spread passively by pollination up to stigma in water lily में नहीं होगा, water hyacinth में भी नहीं होगा, Jostera ये right answer जाएगा. तो right answer is third. Next, usually pollen grains in angiosperm are shed at two-celled stage. In few members, pollen grains are shed at three-celled stage. These cells are one vegetative cell and two generative cell. ये आपका wrong है. One vegetative cell and two male gametes. ये आपका right answer है. One vegetative cell plus two male gamete. Next, Parthenium or carrot grass has came into India with imported wheat. तो right answer आपका first जाएगा. Next, body of ovule fuses with funicle in the region called hilum. तो right answer आपका first जाएगा. Next, read the statement A to E and answer the question following them. Ovary is the apical bulge part of pistil. Wrong है. Viability period of pollen grains in few months in some members of Rosaceae. ये right है. Multiple ovules are found in ovary of papaya. Right है ये. In an ovule, nucellus surround the integument. ये wrong है. Anatropous ovule is most common. Right है. How many of the above statements are correct? तो इसका answer third जाएगा. तीन correct हैं. Next, how many given plants are having one ovule in each ovary? Paddy में one ovule पाया जाता है. Wheat में one ovule पाया जाता है और mango में one ovule पाया जाता है. तो इसका right answer third जाएगा. Three. Right answer three. Next, which of the following are not the comparable terms? Embryo sac, female gametophyte ये comparable है. Megasporangium ovule comparable है ये. Pollen grain male gametophyte comparable है. Microsporangium stamen comparable नहीं है. इसलिए right answer fourth जाएगा. Next, number of cells in egg apparatus and antipodals of a typical angiosperm embryo sac. Egg apparatus में तीन होते हैं cells और antipodals में भी तीन होते हैं. इसलिए right answer second जाएगा. Next, how many antipodal cells are found in the egg apparatus of a typical embryo sac? Typical embryo sac में कोई भी antipodal cells नहीं होंगी. इसलिए right answer first जाएगा zero. Next, which of the following is functionally cross pollination and genetically self pollination? Autogamy नहीं होता.
गेटनोगैमी को हम फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, तो राइट आंसर सेकंड जाएगा। नेक्स्ट, फ्लावर्स विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा आर टर्म एज क्लिस्टोगैमस, नहीं होता, चैस्मोगैमस। तो राइट आंसर इसका सेकंड जाएगा चैस्मोगैमस। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट इज टर्म एज ऑटोगैमी, नहीं होगा, गेटनोगैमी भी रॉन्ग है, जेनोगैमी। तो राइट आंसर जेनोगैमी, तो राइट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट, सीड्स ऑफ ल्यूपिन ल्यूपिनस आर्किटिकस मे हैव वायबिलिटी पीरियड अप टू 10,000 ईयर्स, इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन पॉलिनेशन बाय द गिवन पॉलिनेटिंग एजेंट्स इज करेक्ट, मैक्सिमम पॉलिनेशन एनिमल के द्वारा होता है, देन विंड के द्वारा होता है, देन वाटर के द्वारा होता है, द राइट आंसर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट अबाउट पार्थेनोकार्पी, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ये राइट है, बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पार्थेनोकार्पी, करेक्ट है, मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पार्थेनोकार्पी, ये रॉन्ग है, तो राइट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट, स्टिग्मा ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर जनरली लार्ज एंड फेदरी, लार्ज एंड फेदरी, तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट ए टू डी एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग देम, डायोसी फेनामेना आर कैन बी ऑब्जर्व इन पपाया प्लांट्स, ये राइट राइट है, जोसेरा गिव्स द फ्लोरल रिवार्ड्स टू इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेफ प्लेस टू ले एग्स, ये रॉन्ग है, टॉलेस्ट फ्लावर आर ऑफ एमार्फोफेलस, राइट है, गेटनोगैमी इज ऑब्जर्व इन कैस्टर प्लांट्स, राइट है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ प्लांट्स हैव अल्बुमिनस सीड्स, अल्बुमिनस सीड्स व्हीट एंड कैस्टर में पाया जाता है, तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, वायबिलिटी पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन्स आफ्टर सेडिंग इन सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट इज यूजुअली अप टू 30 मिनट्स, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट, इन गाइनिशियम इफ द पिस्टिल्स आर फ्यूज टूगेदर कंडीशन इज गाइनस, अगर पिस्टिल फ्यूज है तो उसको सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, फिलीफॉर्म एपरेटस इज लोकेटेड एट द पार्ट ऑफ द ए और बी के बारे में बताना है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस माइक्रोपिलर एंड पर पाया जाता है और सिनर्जी में पाया जाता है, तो राइट आंसर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, बैगिंग इज डन फॉर इंश्योरिंग द सेल्फ पॉलिनेशन, ये रॉन्ग है, प्रिवेंटिंग द कॉन्टेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलेंस, ये राइट है, एंश्योरिंग द पॉलिनेशन बाय सेलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स, ये भी राइट है, तो इसका राइट आंसर जो होगा फोर्थ होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन विच ऑफ द प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग, जो पहला जो फर्स्ट है, तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाइट कर्नेल इन कोकोनट रिप्रेजेंट दी, कोकोनट में व्हाइट कर्नेल जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म को बताता है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट,
select the incorrect option. Perisperm observed in seeds of beet. ये बिल्कुल सही है. Cotyledon of maize is termed as scutellum. ये सही है. Pea seed is non-albuminous type. ये सही है. In nila kuranji flowers once in every 14 years. ये wrong है क्योंकि नीला कुरंजी में 12 ईयर में फ्लावर आते हैं. इसलिए राइट आंसर फोर्थ जाएगा. नेक्स्ट, पेरिस्पर्म इज रिमिनेंट ऑफ न्यूसेलस. तो इसका राइट आंसर फर्स्ट जाएगा. नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर हैविंग ड्राई फ्रूट्स. गुआवा में फ्लैसी फ्रूट होता है, मस्टर्ड में ड्राई फ्रूट्स होता है, ऑरेंज में फ्लैसी फ्रूट्स होता है, मैंगो में फ्लैसी फ्रूट्स होता है, ग्राउंडनट में ड्राई फ्रूट्स होता है. इसका राइट आंसर सेकंड जाएगा. नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर हैविंग फ्रूट्स इन विच थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन. तो फ्रूट फॉर्मेशन में यहां थैलमस, कैश्यू में स्ट्रॉबेरी और एप्पल, तीन में थैलमस फ्रूट फॉर्मेशन में मदद करता है. इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड होगा. नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग देम. एग्जाइन इज ए डिसकंटिन्यूअस लेयर. राइट है ये. टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम appears nearly circular in outline in transverse section. ये right है. Endothecium is a nutritive layer. Wrong है. Pollen mother cell is a diploid in nature. ये right है. Pycnus degrade sporopollenin. Wrong है. How many of the above statements are correct? तो इसका right answer third जाएगा. तीन correct हैं. Next, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एपोमिक्सिस ऑब्जर्व इन सम स्पेसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रॉसेस. राइट है ये. मैंगो इज वन सीडेड फ्रूट. राइट है ये. कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. राइट है. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर पार्थनोकार्पिक फ्रूट. ये रॉन्ग है. तो आंसर इसका फोर्थ जाएगा. फोर्थ आंसर. नेक्स्ट, बोथ सिट्रस एंड मैंगो आर एग्जाम्पल्स ऑफ पाली एम्ब्रियोनी. तो राइट आंसर थर्ड है. नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट्स आर हैविंग फ्रूट्स विथ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. स्ट्रीगा में देखिए ढेर सारी सीड्स होते हैं, मेनी सीड्स होते हैं. मैंगो में, पैडी में आपका एक सीड होता है, मैंगो में एक सीड होता है, ओरोबैंकी में ढेर सारे मेनी सीड्स होते हैं, ऑर्किड में मेनी सीड्स होते हैं. राइट आंसर इसका थर्ड जाएगा. नेक्स्ट, यूका प्लांट प्रोवाइड्स अ सेफ प्लेस टू ले एग्स. इसका पहला जाएगा मोथ. तो राइट आंसर फर्स्ट जाएगा. नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. न्यूसलेस इज इक्विवेलेंट टू एम्ब्रियोसैक. ये आपका रॉन्ग है. तो राइट आंसर इसका चला जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट, विच पेयर इज अनमैच्ड लाइफ स्पान. डब्ल्यू आर टी लाइफ स्पान. पैरेट का 140 ईयर होता है, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स, टार्टोइज. ये रॉन्ग है क्योंकि टार्टोइज का लाइफ स्पान 100 to 150 ईयर्स होता है. तो राइट आंसर फोर्थ जाएगा. नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट डब्ल्यू आर टी द पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ये राइट है. इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस. राइट है ये. इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड
नाइट्रोजन राइट है ये। पॉलन ग्रेन्स पजेज नॉन स्टिकी कवरिंग कॉल्ड पॉलन किट, ये रॉन्ग है क्योंकि पॉलन किट जो होता है स्टिकी होता है। तो राइट आंसर फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट, इंट्रिया पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक इज अंडर गाइडेंस ऑफ कीमोट्रॉपिक, तो पहला आंसर राइट है, राइट फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ एंथरवॉल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, टाइपिटम इसका राइट आंसर है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, मोनोसियस प्लांट में आपका इसमें देखिए कारा मोनोसियस है, कुकरबिट्स मोनोसियस है, पाइनस मोनोसियस है, ओमेज मोनोसियस है, मार्केंसिया आपका डायोसियस है, तो इसका आंसर थर्ड जाएगा, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द लाइफ स्पान, ये राइट है, द लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर साइजेज, राइट है ये। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, ये राइट है। रिलेटिवली ड्राई सीड्स कंटेन 25-30% मॉइस्चर बाई मास, ये रॉन्ग होगा क्योंकि रिलेटिवली ड्राई सीड 10-15% मॉइस्चर कंटेन करते हैं, तो राइट आंसर फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस देखिए डिप्लॉयड होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, फंक्शनल मेगास्पोर ये आपका हैप्लॉयड है, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, तो राइट आंसर इसका थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, द पार्थेनोकार्प इज नॉट एडवांटेजियस इन, मैंगो में एडवांटेजियस है ये, सिट्रस में नहीं, सिट्रस में भी है, बनाना में भी है, पॉमग्रेनेट में इसका कोई एडवांटेज नहीं होता, तो राइट आंसर पॉमग्रेनेट जाएगा, थर्ड राइट आंसर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन ऑफ ए सीड इज गिवन इन डायग्राम विच पोर्शन इज इनकरेक्ट, कॉटिलेडॉन बिल्कुल देखे एक कॉटिलेडॉन सही है, डी एंडोस्पर्म सही है, सी हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस सही है, बी रेडिकल रेडिकल गलत है, तो राइट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलेन एट स्टिग्मा, ये गलत है, रॉन्ग है, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जेनेटिव सेल, रॉन्ग है ये, प्रोड्यूस नेक्टर, रॉन्ग है ये, गाइड द इंट्री ऑफ पॉलेन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, बिल्कुल राइट है ये, तो आंसर इसका फोर्थ होगा। नेक्स्ट, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर एंडोस्पर्म नहीं है, एम्ब्रियो सैक, राइट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट, ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाई पार्थेनोकार्पी, रॉन्ग है ये, पार्थेनोजेनेसिस रॉन्ग है, माइटोटिक डिवीजन ये राइट आंसर है, तो राइट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमिट्स विथ वन एग, रॉन्ग है ये, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, तो ये आपका सेकंड राइट आंसर है। ओके, थैंक यू।